था कि बेटा होगा बेटा होगा, तो बेटी थी, अल्ट्रासाउंड करा के लेकर आया, दूसरे दिन उसने उसको खत्म कर दिया। उनका मर्डर कर दिया गया, डबल मर्डर है, एक बच्चा था प्रेग्नेंट, 8 महीने की प्रेग्नेंट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में महिला की मौत का मामला सामने आया है, जिसको लेकर महिला के परिवार वालों ने एसपी ऑफिस पर जाकर एसपी दीपक भूकर को दिया ज्ञापन। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंजू है। आप आज एसपी ऑफिस आए हैं, क्या है मुकुरा मामला? एसपी ऑफिस आए हैं, 20 दिन से लगातार इधर उधर घूम रहे हैं, कभी कहीं, रोज यही कहते हैं कि आपका काम कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। 20 दिन से हम घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा। तो मामला क्या है? मामला ये, हमारी बहन थी किठोड़ से, जयपे में शादी की थी, एक बच्ची पहली थी 1 साल की, फिर 8 महीने की प्रेगनेंट थी, कहता था कि बेटा होगा बेटा होगा, तो बेटी थी, अल्ट्रासाउंड करा के लेकर आया, दूसरे दिन उसने उसको खत्म कर दिया। उसके बाद वो लोग फरार है ना, छोटी बच्ची का पता नहीं है जो थी 1 साल की। एसपी साहब ने कहा है कि गिरफ्तारी हो जाएगी, सर सभी कहते हैं रोज गिरफ्तारी हो जाएगी, मगर हुई तो नहीं है आज तक किसी की भी, सब ऐसे ही कहते हैं। क्या नाम आपका? फरियाद अली नाम। आज आप एसपी ऑफिस आए हैं, क्या है पूरा मामला? सर ये है, हमारी एक सिस्टर थी वो दह पे भी आई थी, उनका मर्डर कर दिया गया, डबल मर्डर है, एक बच्चा था 8 महीने की प्रेगनेंट है, और उसमें कार्रवाई नहीं हो पा रही थाने से, उन्होंने थाने में घूस दे दिए, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही, वरना पुलिस ने तुरंत ही एक को जेल भी भेज दिया था, और जो लोग हैं वो फरार चल रहे हैं, उसमें कार्रवाई नहीं हो पा रही, इस वजह से यहाँ ऑफिस आना पड़ा, और इन्होंने से शिकायत करी है सर से, सर कह रहे हैं कार्रवाई होगी, आश्वासन दिया है, उसके बाद आप जो उचित है होगा, उसमें पता चलेगा अब क्या होता है। वो धमकी दे रहे हैं, उधर से धमकी आ रही है बार बार कि तुमसे कुछ हुआ नहीं या क्या कर लोगे, तो इसमें इस तरीके की धमकी आ रही हैं, वरना कुछ ना कुछ अब तक हो जाता, वो अगर पैसे नहीं दिए होते तो इतना बोलने के वो अधिकार तो होता ही नहीं किसी को, अब वो ऐसे ऐसी बात कर रहे हैं, अब देखो क्या होता है सर, यहाँ आए हैं, अब सर ने आश्वासन दिया है।